फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी किक में प्रेशर नहीं है, और इस प्रेशर ना होने की जो असल रीज़न है वो ये है कि हमारे जो इंजन के टैपड हैं वो फुल एडजस्ट हो चुके हैं, टैपडों की सेटिंग होने वाली है और इंजन में प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो भी हम आपको इस वीडियो में टैपड करने का सही तरीका बताएंगे। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जो किक में प्रेशर नहीं है ये किस वजह से है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टैपर्ड, बेसिकली हमने ये अभी टैपर्ड कवर खोलना है और इसकी मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ। ये टैपर्ड बेसिकली फुल एडजस्ट हो चुकी हैं जिसकी वजह से प्रेशर नहीं है बाइक में। तो अभी हम इसका टैपर्ड एडजस्ट करने जा रहे हैं। टैपर्ड एडजस्ट करने के लिए मुझे जो सबसे पहले चीज़ है वो रिक्वायर्ड है वो मुझे ये मैगनेट कवर खोलना होगा। मैगनेट कवर खोलने के बाद मुझे ये जो टैपर्ड है इसको टॉप पे करना होगा, और टॉप पे करने के बाद मैंने इसके टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट करनी है, और आपको दिखाऊंगा उसके बाद कि ये कैसे अपना जो टैपर्ड कवर की एडजस्टमेंट, टैपर्ड की एडजस्टमेंट, इंजन के टैपर्ड की एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैसे बाइक अपने प्रेशर में वापस आती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक टैपर्ड एडजस्ट करने के लिए फिलर गेज है, ये मुझे मैगनेट कवर खोलने के लिए 10 नंबर की टी रिक्वायर्ड है, साथ में 8 नंबर की टी रिक्वायर्ड है, और इसके साथ मुझे ये 17 नंबर का टूल रिक्वायर्ड है, और जो टैपर्ड जिससे एडजस्ट करते हैं उसके लिए मुझे ये टैपर्ड एडजस्टर की टैपर्ड गोटी जिसे कहते हैं, और ये 8 नौ का रिंग पन्ना 70। चाइना की बाइक्स में जितने भी टूल होते हैं वो टैपर्ड एडजस्ट करने के लिए 10 या 8 या 9 नंबर का रिंग पन्ना और ये टैपर्ड गोटी के साथ एडजस्ट होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आपको टैपर्ड एडजस्ट करने का सही तरीका बताते हैं जिसकी वजह से। और एक और चीज़ भी होती है कि जब हम टैपर्ड एडजस्ट करते हैं तो टैपर्ड एडजस्ट करने से बाइक की पिक, रनिंग और पेट्रोल एवरेज में जो इजाफा होता है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि बाइक के टैपर्ड जो इंजन के साथ एडजस्ट होते हैं, और इंजन की जो, जब इंजन टाइट होता है तो बाइक ओबियसली बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलती। ये मैंने इसका मैगनेट कवर खोल लिया और मैंने अभी इसको टॉप पे करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये अभी मैं इसके अंदर जो इसके वॉल हैं इसके अंदर फिलर गेज एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन टैपर टाइट होने की वजह से ये फिलर गेज अंदर नहीं जा रही, और अभी मैं इसके टैपर थोड़े से लूज़ करके तो फिलर गेज के साथ इसको, बेसिकली ये जो ये मेरे पास ये पिन सी है इसको फिलर गेज कहते हैं, ये टैपर एडजस्ट करने के लिए होती है। अभी मैंने टैपर को थोड़ा सा लूज़ किया, और लूज़ करने के बाद मैं इसके जो फिलर गेज है इसको वॉल के अंदर एडजस्ट करके देखता हूँ। ये बेसिकली ये देखें, ये पहले एडजस्ट नहीं हो रही थी और अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है, लेकिन अभी मेरे टैपर अभी भी थोड़े से टाइट हैं। ये मैं अभी थोड़े से टैपर थोड़े से और लूज़ करूँगा, और इसके बाद मैं इसकी फिलर गेज के साथ एडजस्टमेंट कर दूँगा। और जैसे अभी आप देख रहे हैं ये फिलर गेज मेरी बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन फिलर गेज का जो एक लेवल होता है, एक लेवल तक जाना चाहिए, मतलब कि ये ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ईजिली आसानी से बाहर आ जाए। इसका एक जो आप कह सकते हैं कि जो इसकी एडजस्टमेंट है वो नॉर्मल टैपर्ड पे होती है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ है, और मुझे इसमें ज़्यादा, यानी कि इसको टैपर्ड फिलर गेज को ज़्यादा आप बाहर और अंदर, यानी कि टैपर्ड के एडजस्टमेंट के लिए ज़्यादा इसको दिक्कत करना नहीं किया। लेकिन इसके साथ मैंने अभी नीचे वाला टैपर्ड भी एडजस्ट करना है, और नीचे वाले टैपर्ड एडजस्टर पर भी सेम एज इट इज़ दिया है। बेसिकली ये दोनों टैपर्ड बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके थे जिसकी वजह से इंजन में प्रेशर नहीं था, किक में प्रेशर नहीं आता, बेसिकली सबसे बड़ी वजह जो होती है इसकी। और अभी मैं यहाँ पे भी इसकी फिलर की, ये देखें ये मेरी ये फिलर गेज भी बिल्कुल इजीली टैपर्ड में एडजस्ट हो रही है, और ये देखें, वरना ये पहले टैपर्ड एडजस्टर में मैं इसको इंस्टॉल करा था तो ये फिट ही नहीं हो रही थी अंदर, टैपर्ड टाइट होने की वजह से बेसिकली इसमें विथ नहीं होती। तो अभी ये देखें आप, ये मेरी दोनों टैपर्ड के एडजस्टमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है, और ये देखें ये बिल्कुल इजीली आसानी के साथ फिलर गेज अपना जो है जोर एक नॉर्मल पॉइंट पे दिखा रही है। तो अभी मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा इसके जो मैग्नेट को राउंड अप करना है, टॉप पे करना है, और टॉप पे करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करूँगा इसकी एडजस्टमेंट कि कहीं पे ज़्यादा टैपर तो नहीं लूज़ हो चुके, क्योंकि अगर ज़्यादा टैपर लूज़ होंगे तो वो भी साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पेश करते हैं, जो कि बाइक में कोई अच्छी आवाज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी बाइक का जो आप कह सकते हैं साउंड है उसको ख़राब कर देती है। हल्की सी मुझे टैपर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये मेरे टैपडों की एडजस्टमेंट मुकम्मल हो चुकी है, और अभी मैंने इसके टैपर कवर लगाकर दोनों टैपर कवर की फिटिंग करने के बाद मैं अभी इसको किक मार के चेक करता हूँ कि इसमें प्रेशर कितना का आया वापस, मतलब इसकी जो इंजन के जो प्रेशर कंडीशन है वो क्या है।
भाई ऑफ्सो के ये बाइक अभी बिल्कुल स्मूथ होगी होगी, प्रेशर भी बिल्कुल अपना एक्यूरेट हो गया होगा, क्योंकि टैपेट बहुत ज़्यादा टाइट थे इंजन के। इंजन के टैपेट टाइट होने की वजह से सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो किक का ना लगना, किक फ्री हो जाती है। अगर आपकी क्लच प्लेट्स और इस तरह का सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, अगर आपको आइडिया है कि आपकी बाइक का इंजन ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो टैपेट का टाइट हो जाना है। तो अभी मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और मैंने यहाँ से ये बाइक को न्यूट्रल भी कर दिया, और अभी मैं इसको किक मार के स्टार्ट करके चेक कर। तो फ्रेंड्स ये देखें, अभी काफ़ी ज़्यादा किक में प्रेशर आ चुका हुआ है, और पहले जो किक में अभी पाँव रखता था तो किक नीचे आ जाती थी, और अब ये किक में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करके साउंड चेक करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे टैपों की एडजस्टमेंट मुकम्मल हो चुकी है, और बाइक बिल्कुल स्मूथ है, हाफ किक पे स्मूथ स्टार्ट है, और टैपेट की एडजस्टमेंट की वजह से जो बाइक की स्मूथ रनिंग है, स्लो रनिंग है, वो भी बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइक बिल्कुल स्लो रनिंग पे एक्यूरेट खड़ी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि टैपेट के एडजस्टमेंट का कितना फ़ायदा है, तो ये टैपेट आप भी खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो मैंने टूल बताए हैं वो रिक्वायर्ड हैं। पिलर गेज के साथ एक जो टैपेट होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट फिट, एग्जैक्ट जो आप कह सकते हैं उसका टैपेट एडजस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी ही वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने शेयर को ज़्यादा दें। अल्लाह।